दोस्तों 1600 मीटर रनिंग करने के लिए जिम वर्कआउट में हम कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि हमारे 1600 मीटर में अच्छे से टाइमिंग आ सके। आपके थाई मसल होते हैं, उसके बाद अपर बॉडी होते हैं, उसके स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपकी जो रनिंग करते हो आपके पैर तक के हाथ बन जाते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा वर्कआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 या 4 वर्कआउट करेंगे, बहुत अच्छे से वर्कआउट करेंगे। उस वर्कआउट को आप अगर अच्छे से करते हो तो आपका जो थाई मसल है उसके साथ अपर बॉडी, आपकी जो रनिंग करते हो हाथ बन जाते हैं, उसके साथ लेग बन जाते हैं, तो हम कौन सा वर्कआउट कर सकते हैं ताकि आपके हाथ पर बिल्कुल बैठेंगे नहीं। तो किस तरह से आप पर वर्कआउट करना है, किस तरह से वर्कआउट कर सकते हैं, और आपको हफ्ते में 2 या 3 बार, आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार जिम वर्कआउट कर सकते हैं, या तो 1 मिनट जिम करेगा तो अच्छे से रहेंगे। आपको स्टैंडिंग बॉडी एक्सरसाइज करना है, अच्छे से लाइट स्ट्रेचिंग करना है। स्ट्रेचिंग करने के बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, उससे आपके फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से होते हैं, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बॉडी अच्छे से ट्रेन हो जाती है, नेक्स्ट वर्कआउट करने के लिए रेडी रहते हैं, इसलिए हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको लोअर बॉडी को वर्कआउट करते हैं, इसमें आपको क्या करना है, सुबह सुबह रनिंग करते हो तो आपको दोस्तों ज़्यादा वेट नहीं उठाना, आपको नॉर्मल वेट उठाना है और आपको हाफ स्क्वाट लगाना है। पहले एक्सरसाइज में हम हाफ स्क्वाट लगाएंगे, हमें 20 किलो का इस तरह से बार लेना है और हमें इस तरह से दोस्तों हाफ स्क्वाट लगाना है, ज़्यादा नीचे नहीं बैठना, क्योंकि अगर हम 1600 मीटर करते लॉन्ग रनिंग करते दोस्तों आपको कम वेट लेना है और ज़्यादा रैपिड्स लगाने हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती, हमें अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ने के बाद हमें सिर्फ दोस्तों आपके अगर पैर भर जाते तो आपको इस तरह से हाफ स्क्वाट लगाना है और अच्छे से एक्सरसाइज करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, और हमें 15 से 20 रैपिड्स लगाने हैं और उसके 3 सेट करने हैं, और आपको एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, आपको आगे की तरफ देखना है और आपका जो घुटना और आपका जो टो है वो एक स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए। इस तरह से आपको स्क्वाट लगाना है, फिर दूसरा एक्सरसाइज करेंगे। दूसरे एक्सरसाइज में हम लंजेस करेंगे, आपको 20 किलो का ही बार लेना है और इस तरह से आपको बॉडी को स्ट्रेट रखना है और नी को आपका जो घुटना है उसको उठा के आपको आगे तरफ डालना है, और सेम आपको जो घुटना है और आपका जो टो है वो एक स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए, क्योंकि आपको आपके घुटने को आगे नहीं लेना, क्योंकि आपको घुटने को ऊपर आपको लोड नहीं देना, अगर आप घुटना आगे ले जाओगे तो आपको इंजरी आ जाएगी। और इस तरह से आपको 1 लेग के 8 या 10 रैपिड्स लगाएंगे, और इससे आपको दोस्तों दोनों पैरों पर करना है, और आपको 8 या 10 रेपिटेशन के 2 या 3 सेट लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट इस तरह से आपको अपर बॉडी का वर्कआउट करना है, हमें क्लीन लगाना है। आपको क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ना है और हाथों को स्विंग करना है, ऊपर शोल्डर के लेवल पर आपको इस तरह से हाथों को फोल्ड रखना है। आपको एक्सरसाइज करते वक्त बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, और इससे इस एक्सरसाइज से आपके हाथों में अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब आपके फिनिशिंग में जब आप 1600 मीटर रनिंग लगाते हो तब आपका जो लास्ट चक्कर होता है, लास्ट जो फिनिशिंग का वक्त होता है, तब आपके हाथ जब टाइट होते हैं तो आपके हाथ बिल्कुल टाइट नहीं होंगे। ये बेस्ट एक्सरसाइज है, अगर आप 1600 मीटर रनिंग करते हो दोस्तों, आपको जो लोअर बॉडी है अपर बॉडी है इस तीन वर्कआउट को आपको अच्छे से करना है, आपके हाथ पर बिल्कुल नहीं भरेंगे आपकी, और अच्छे से स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो आप हफ्ते में 1 बार इस वर्कआउट को ज़रूर करो, 1 या 2 बार आप इस जिम वर्कआउट को आप ज़रूर कर सकते हैं। सिर्फ आपको दोस्तों इस तरह से लाइटली वेट लेना है और एक्सरसाइज करना है।